एमयूपीएस अकोलोनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सांगली और कोल्हापुर बाढ़ पीड़ितों के लिए बारसी टाकली में निकाली गई रैली। बारसी टाकली में आज मुर्तजापुर राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता रवि राठी और बारसी टाकली के राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता इन्होंने पूर्वग्रस्त लोगों के लिए निधि जमा की, जो एक रैली निकालकर बाजार लाइन, खड़कपुरा चौक, जामा मस्जिद चौक और सरकारी ऑफिसों में घूमकर इन्होंने बहुत सारी निधि जमा की और प्रस्तोता को उसे पहुंचाने का वादा किया। बारसी टाकली से इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट। बारसी टाकली में समस्त नागरिक और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता रवि राठी साहब यहाँ पे पूर्वग्रस्तों के लिए निधि जमा करने के लिए निकले हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अभी तक के बारसी टाकली में कहाँ कहाँ से कितनी निधि जमा की और उनका क्या रिस्पॉन्स मिला। नमस्कार भाइयों, यहाँ पे मैं रवि राठी, मुर्तिजापुर से। यहाँ पे बारसी टाकली में सभी मार्केट में घुमा मैं पूरे, और सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मदद की है। डब्बा देख के खुद मदद के लिए आगे बढ़े हैं, खुद दौड़ दौड़ के मदद डाल रहे हैं उसमें। सबका तहे दिल से धन्यवाद पूरे बारसी टाकली के नागरिकों का, व्यापारियों का, सभी का हार्दिक अभिनंदन दिल से। बारसी टाकली से कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट। देखिए MUPS अकोला न्यूज़, हर खबर आपके सामने।